नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिक फंटूस में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं उदित नारायण जी और रानू मंडल जी की सुरों की फाइट। दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा सुर लगाता है, किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है, यही दिखाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बता दूँ कि पहले मैं उदित नारायण जी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में रानू मंडल जी की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बात है यार, लीजेंड सिंगर की बात ही अलग होती है। कितनी प्यारी और बिल्कुल ठोस आवाज़ है उदित नारायण जी की, बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है। ये तो हो गई उदित नारायण जी की परफॉर्मेंस। अब मैं दिखाता हूँ आपको रानू मंडल जी की परफॉर्मेंस। उससे पहले बता दूं कि उदित नारायण जी बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं, बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाने हैं इनके बॉलीवुड में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रानू मंडल जी की परफॉर्मेंस को। क्या बात है यार, कितनी प्यारी आवाज़ है यार। कौन कहता है कि गाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। रानू मंडल जी को देखिए, ना ही कहीं से कोचिंग की है, ना ही किसी गुरु के साथ बैठकर संगीत विद्या सीखी है, फिर भी इतनी प्यारी आवाज़ है। कुछ लोग बरसों तक रियाज करते हैं और कई सालों तक मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, फिर भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज रानू मंडल जी हैं। और इन सब के पीछे हाथ है हिमेश रेशमिया जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने रानू मंडल जी को इस मुकाम तक पहुँचाया है। बहुत ही बढ़िया आदमी है। बता दूं कि रानू मंडल जी बॉलीवुड की कोई मशहूर सिंगर नहीं है, वो एक केवल स्ट्रीट सिंगर है। और मैं ऐसी जुगलबंदी की वीडियो डालता रहता हूं। अगर आपको किसी भी सिंगर की जुगलबंदी देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में घंटा दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।